हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीपैकर वर्ल्ड। तो इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पर आपको करीब 26 सितंबर के दिन 5 स्पेशल दिवाली कॉल्स दिए थे और इसमें काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स मैंने आपको दिए थे। होल्डिंग कॉल्स थे ये। तो यहाँ 5 कॉल जो दिए थे उनमें हम देख लेते हैं आज वो किन प्राइजेस पर हैं और मैंने आपको किस प्राइस पर दिया था, उस टाइम करंट प्राइस क्या था और अब करंट प्राइस क्या है ये हम देखेंगे। और जो भी आपको टारगेट दिए गए थे वो किस दिन अचीव हो गए थे ये भी हम चेक करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और सभी को मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आपको वीडियो चलाकर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला कॉल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहला कॉल हमने कौन सा लिया था और अभी उसमें टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे हमारे 5ों कॉल्स में टारगेट अचीव हो चुके थे और 26 सितंबर को मैंने यहाँ पर आपको 5 स्पेशल कॉल दिए थे दिवाली के लिए। तो दिवाली में सबसे पहला हमारा कॉल था SBI का, जिसका करेंट मार्केट प्राइस था 285 का और टारगेट दिया था हमने आपको 320 का। तो 285 से 320 का टारगेट यहाँ पर आया है या नहीं ये हम चेक कर लेते हैं, आज के दिन पता चल जाएगा हमको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 320 रुपये का टारगेट जो है इसने, यहाँ पर 320 का टारगेट जो हमारा है वो करीब 4 नवंबर को हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुका था। 4 नवंबर को हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुका है SBI के अंदर। और हमारा सेकंड कॉल हम देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड कॉल था हमारा ICICI बैंक का, और ICICI बैंक का करंट मार्केट प्राइस जब मैंने दिया था तब 408 रुपये था और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस और टारगेट मैंने यहाँ पर आपको 480 रुपये दिया हुआ था। तो गाइस, 480 से हम देख लेते हैं कि हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ है या नहीं। 408 रुपये से 480 रुपये का टारगेट दिया गया था यहाँ पर आपको, और देखेंगे तो ICICI बैंक अभी 490 के पास चल रहा है। अभी करंट मार्केट प्राइस में लाइव चल रहा है ये प्राइस, तो 490 पर, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो हमारा 6 नवंबर को टारगेट अचीव कर चुका है। और अब हम अपना थर्ड कॉल देख लेते हैं। तो थर्ड कॉल है हमारा एशियन पेंट्स का। तो थर्ड कॉल हमने दिया था हमारा एशियन पेंट का, करंट मार्केट प्राइस था 1502 का और टारगेट था हमारा 1800 का। 1800 का हमने यहाँ पर टारगेट लिया था, 300 पॉइंट यहाँ पर हमने लिए थे। तो देखेंगे तो एशियन पेंट आपका काफ़ी दिन पहले ही इसने यहाँ पर, ये देखेंगे तो यहाँ पर सितंबर में ही इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया, सॉरी सितंबर में ही इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। और यहाँ पर देखेंगे 23 सितंबर को टारगेट अचीव हो चुका था इस स्टॉक के अंदर। हमने 15 को आपको दिया था, 16 तारीख को आपको दिया था और 23 तारीख को इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। 1800 का जो टारगेट था इसने काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर 2 दिन के अंदर ही टारगेट अचीव कर लिया था। ये देखेंगे रुका रहा था यहाँ पर, जब यहाँ पर दिया गया था इस प्राइस पर आपको यहाँ पर दिया गया था 16 तारीख, कब थी 16 तारीख पर इस प्राइस पर दिया गया था, जब ये कैंडल यहाँ पर थी तब दिया गया था। और फिर यहाँ देखेंगे थोड़ी थोड़ी बढ़त आई, फिर 2 दिन के अंदर इसने 1800 का टारगेट अचीव कर लिया था। ये यहाँ पर आपका टारगेट अचीव हो चुका था थर्ड कॉल में। और अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ कॉल, कि हमने फोर्थ कॉल कौन सा लिया था आपके ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि होल्डिंग कॉल्स दिए थे मैंने। ये पोर्टफोलियो बनाया था 5 स्टॉक्स का। तो गाइस, 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, तो बस इतना ही कहूँगा कि स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, अगर आपको भी इस तरह का पोर्टफोलियो बनवाना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और यहाँ IGL में देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस 328 का है, 328 करंट मार्केट प्राइस था उस दिन। और अभी देखेंगे हम टारगेट हमारा अचीव हुआ है या नहीं, 399 का हमने टारगेट लिया था, तो 399 का हमारा टारगेट अचीव हुआ है या नहीं इंद्रप्रस्थ में। तो यहाँ पर देखेंगे करंट मार्केट प्राइस 426 रुपये चल रहा है और काफ़ी जल्दी इसने टारगेट अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लिया, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे उछाल आए हैं। और अभी भी मैं कहूँगा कि अभी ये 500 के पार जा सकता है, अगर और आप 3-4 महीने होल्ड करेंगे तो आपको ये 500 के आसपास भी दिख सकता है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट कल के ही दिन अचीव हो गया था, फ्राइडे मार्केट में ही हमारा टारगेट इसने अचीव कर लिया था। तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट अचीव हो चुका है IGL के अंदर, बहुत ही शानदार स्टॉक था IGL।
और फिफ्थ कॉल था हमारा HPCL का। तो HPCL में करंट मार्केट प्राइस था उस टाइम 251 का, टारगेट हमने लिया था 300 का। तो ये हमारा लास्ट कॉल था। और गाइज अगर आपको भी इस तरह का पोर्टफोलियो बनवाना है तो सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं आप, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। सर्विस ज्वाइन करने पर आपका भी पोर्टफोलियो बना दिया जाएगा और आपको भी इस तरह का अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाएगा। तो इस तरह की सर्विस ज्वाइन करने के लिए यानी कि पोर्टफोलियो मेंटेन करवाने के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इंट्राडे में कॉल्स दिया करते हैं, वैसे ही हम पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेज करने पर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। होल्डिंग कॉस्ट में जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। तो गाइज ये देखेंगे तो हमारा यहाँ पर जो टारगेट है, टारगेट जो है हमारा करीब 300 रुपये का टारगेट था। 300 रुपये का हमारा टारगेट कब आ गया था ये है, और ये रही वो कैंडल। तो 26 सितंबर को ही हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका था, और उसके बाद भी ये काफ़ी ऊपर गया और करीब 328 रुपये के पास ये गया था। और जो हमारा टारगेट है वो 26 सितंबर को ही 10 दिन के अंदर हमारा टारगेट अचीव हो गया था। तो गाइज़ यहाँ पर देखेंगे पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे हमारे 26 सितंबर को इस वीडियो में, तो 5 कॉल दिवाली से पहले जो दिए थे, दिवाली काफ़ी अच्छी मनी है आपकी और प्रॉफिट काफ़ी बेहतर रहा है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट रहा है। सभी कॉल्स में हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। अगर आप 2 लाख भी इन्वेस्ट करते और सभी स्टॉक्स में आप बराबरी से इन्वेस्टमेंट करके चलते, या 1 लाख भी इन्वेस्ट करते हो, 20-20 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करते, 2 लाख आप इन्वेस्ट करते तो 40-40 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते, तब भी आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रॉफिट यानी कि 40 से 50% का आपको यहाँ पर गेन हो चुका होता। और उम्मीद करूँगा कि आपको भी इस तरह का ही पोर्टफोलियो चाहिए है, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, तो कॉन्टैक्ट कर कर आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो इसी तरह से बना दिया जाएगा जिसमें आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और आपने देखा ही है कि कुछ स्टॉक्स में हमारे कुछ ही दिन के अंदर टारगेट अचीव हो गए हैं, कुछ ने 1 महीना या 1.5 महीना लिया है और टारगेट सभी में आ चुके हैं, और सभी में काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स हमने लिए थे। तो इस तरह का पोर्टफोलियो मेंटेन करवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।